तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने आज नई मुंबई के सानपाड़ा में दर्जनों महिलाओं को साई भक्त स्त्री आधार योजना का कार्ड वितरित किया। यह योजना प्रभाग 76 के युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले द्वारा विधवा और मजबूर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ की गई है। इस अवसर पर हालिया स्पर्धाओं का पुरस्कार वितरण करते हुए विधायक मंदाताई मात्रे ने महिलाओं में जमकर जोश भरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खुद के दम पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्रम में जिला महामंत्री सतीश निकम, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय और नगर सेविका दयावती सेवाले खास तौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। सानपाड़ा प्रभाग 76 में युवा समाज सेवी पांडुरंग आमले ने विधवा और मजबूर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने साई भक्त स्त्री आधार योजना प्रारंभ किया है। आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने सैकड़ों महिलाओं को इस योजना का कार्ड वितरित किया। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में मंदाताई मात्रे ने हालिया सांस्कृतिक स्पर्धाओं की विजेता महिलाओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंदाताई मात्रे ने साई भक्त स्त्री आधार योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण का सही माध्यम बताते हुए पांडुरंग आमले की तारीफ की। महाराष्ट्र में बचत गटों को प्रोत्साहन देने के लिए मशहूर बीजेपी नेता मंदाताई मात्रे ने महिलाओं में जोश भरते हुए कहा कि उन्हें खुद के दम पर आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस दौरान पांडुरंग आमले के प्रयासों की सराहना की। पांडुरंग आमले जी मुझे आकर मिले थे और उन्होंने कहा था कि ये बचत गट की संकल्पना को हमको यहाँ पर लाकर लोगों को, महिलाओं को सक्षम करना है। तभी मैंने उनको कहा था कि ऐसे सेल्फ ग्रुप बनाओ आप और इनके हाथों में कुछ काम दो, इनको खड़ा करो, इनकी शक्ति पहचानो और उसी हिसाब से अगर आप उनको सक्षम करोगे तो निश्चित स्वरूप से आने वाले दिन में ये महिला अपने बलबूते पर जरूर खड़ी रहेगी। जब महिला जब काम करती है, चाहे राजनीति हो, सामाजिक सेवा हो, चाहे तुम्हारा एजुकेशन फील्ड हो या आरोग्य फील्ड हो, जिधर भी महिला काम करती हो अपने दिल से करती है और प्रामाणिकता से करती है, इसलिए जहाँ भी महिला होगी वहाँ जीत हमेशा होगी। फक्त काही महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये महिलांवर फक्त अत्याचार आणि अशा सगळ्या घटनांच्याच बातम्या आपण मीडियामध्ये ऐकतोय, पण स्त्री ही सर्व शक्तिमान आहे। गेली 9 दिवस पूर्ण देशभरात स्त्रीची पूजा म्हणजे महिला शक्ती म्हणून तिची पूजा केली गेली आणि त्याचाच एक आविर्भाव म्हणून आमच्या पांडुरंग आमलेजींनी आधार योजना सुरू केलेली आहे। तर स्त्रीला जर आधार दिला तर ती स्वतःच्या पायावर संपूर्ण कुटुंबाचा आधार बनू शकते, सगळ्या समाजाचा आधार बनू शकते, देशाचा आधार बनू शकते, अशा प्रकारचा एक संदेश देण्याचा हा कार्यक्रम आज इथे आमच्या पांडुरंग आमले साहेबांनी इथे आयोजित केला होता। आमचं सगळ्यांचं सुदैव आहे की ताईंच्या नेतृत्वाखाली आमचं हे सगळं अभियान, विकासाचं अभियान हे नवी मुंबईमध्ये सुरू आहे। तर ताईंच्या नेतृत्वामध्ये अशा प्रकारचं एक उल्लेखनीय कार्य असं हे आज सुरू झालेलं आहे। त्यासाठी साई भक्त स्त्री आधार अभियानासाठी मी पांडुरंग आमलेजींना खूप खूप शुभेच्छा देतो। साई भक्त स्त्री फाउंडेशनतर्फे आमले साहेबांनी हा कार्यक्रम केलेला आहे, खूप छान झालेला आहे। प्रत्येक वेळी आमले साहेब कार्यक्रम त्यांचा खूप छान होतो आणि सामाजिक काम जास्त करतात आणि त्यांचे फोटो मला वरचेवर मिळतात, कारण माझा भाऊ त्यांच्याबरोबरच असतो त्यामुळे त्यांचे फोटो मला मिळतात आणि खूपच छान काम करतात। महिलांच्यासाठी हे खूपच, बचत गटाचा कार्यक्रम हा महिलांच्यासाठी उद्योग करण्यासाठी तर खूपच चांगलं। ह्या उपक्रमामुळे स्त्रियांना खूप आधार मिळेल याचा।
वहीं खुद युवा नेता पांडुरंग आमले ने भरोसा दिलाया कि विधायक मंदाताई मात्रे के मार्गदर्शन में वे पद या प्रतिष्ठा की लालच किए बिना लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे। साई भक्त स्त्री जनाधार योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो विभाग में हमारी महिला कोरोना काल में जो अपना सौभाग्य खो चुकी है उनके लिए कुछ ना कुछ मदद और एक भाई उनके साथ खड़ा है, ये हमें दिखाना है। इसी माध्यम से हमने उनके लिए एक साई भक्त स्त्री आधार योजना किया, जिस माध्यम से साल में उनके अकाउंट में 1200 रुपये कोई भी कंडीशन बिना रखे हम लोग उनके अकाउंट में ये डालने वाले, जिससे उनको कुछ ना कुछ तो आधार मिल जाए और अगले दिनों में ये जो 1200 रुपये की रकम है वो बढ़ने के चांसेस भी है। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये हमारी बहनें किसी भी तरह से अपने खुद के पैर पे कैसे खड़े रह रहे हैं, इसलिए हम उनका सक्षमीकरण करेंगे और उनको एक आधार देने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि जो नवदुर्गा का अवतार है, हमारी मंदाताई माता सबने उनका अवतार देखा है, दुर्गा का ही अवतार है और वो मेरे साथ अभी नहीं पिछले 3 साल से मेरे पीछे खड़ी है और मुझे पूरी तरह से दिल से पता है कि ताई मेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी और मैं भी ताई के साथ ताई के मार्गदर्शन से हमेशा ऐसे ही काम करते रहूँगा। कोई भी फल की अपेक्षा बिना करे हम लोग ये काम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। कार्यक्रम में साई भक्त श्री आधार योजना की लाभार्थी महिलाओं ने भी पांडुरंग आमले के प्रयासों की सराहना की और आभार जताया। शुरुआत से पांडुरंग आमले जी हमारी हेल्प करते आ रहे हैं और हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइन करते आ रहे हैं और अभी कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया है और हमारे ऊपर जो आपत्ति गिरी हुई है, मेरे पति अभी रिसेंटली 1 महीने पहले उनका देहांत हो गया और उस वक्त भी उन्होंने अपने तरफ से बहुत कोशिश भी की कि कई तरीके से उन्होंने हेल्प की और आज भी हम लोगों को सम्मान करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है। तो उन्होंने कोविड से लेके बहुत सारी हेल्प की है, लोगों को महिला बचत कट चलाए हैं, उस माध्यम में भाजीपुली केंद्र चालू करके दिए हैं, जो जो महिला है उनको जिस चीज में उनको ज़रूरत पड़ी है उन्होंने आगे जाके उनको सहकार्य सपोर्ट किया हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि पांडुरंग आमले साहब जो हर महिला के पीछे भाई की तरह सक्षम खड़े रहेंगे। आणि विधवा महिलांसाठी साई आधार योजना ही आता चालू केलेला आहे, म्हणजे असं आम्हाला नशिबानं भाऊ मिळतो की दरवर्षी त्यांच्याकडनं आम्ही आमच्याकडनं ती राखी बांधून घेतात, आम्ही गावी जाऊ शकत नाही आणि आम्ही अशा भाग्यवान आहे की पांडुरंग आमले सारखा भाऊ आमच्या नशिबाला आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।